अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष में कहीं जागृति होने लगी। ये जागृति है राष्ट्र को संपूर्ण साक्षर बनाने वाली विद्युतमय जागृति। गांव में सर्वत्र हुए विद्युतीकरण से ऐसा लगता है कि मानो संध्या ठहर गई है। सभी गांव वालों को एक साथ मिलने के लिए यही सुविधापूर्ण समय है। रात्रि के समय गप्पे मारने की उन्हें फुर्सत मिलती है। जागृति के इस नाद ने उन्हें प्रभावित किया। चौदह वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देने की परिस्थिति निर्माण की 1950 के भारतीय संविधान के मार्गदर्शक तत्वों के 45वें नियम के अनुसार। इसके लिए बच्चों के माता पिताओं का पहले मार्गदर्शन किया जाता है। शाम को खेती के काम से निपटने के बाद और घर के काम के समाप्त होने पर साक्षरता कक्षाओं का आयोजन किया गया। महिला मंडल, ग्राम शिक्षा समितियां, जन शिक्षण निलयम तथा वयस्क साक्षर कक्षाएं चलने लगी। आज गांव वाले दरिद्रता के सारे सवाल तथा विविध गलतफहमियां दूर करके निर्भयता से खड़े हैं। ये महिलाएं इकट्ठा होकर राशन के बारे में चर्चा कर रही हैं। आपले खेडेगावच्या लोक काय सगळी सारखी नसतात, कोण मोल मंजुरी करून खाणारे असतात, कोण आपली घरची खातात। इनका कहना है कि राशन वाला इन्हें संदेश देता है कि किस दिन शक्कर मिलेगी, लेकिन वो महिला उस दिन वहाँ नहीं जा सकती। दूसरे या तीसरे दिन जाने पर दुकान वाला शक्कर नहीं देता। इसके लिए उनका कहना है कि गांव वाले या मजदूर जो खेतों में काम करते हैं वे एक ही दिन अनाज लेने कैसे जा सकते हैं। इस महिला का कहना है कि जब वो राशन वाले को पैसे देती है तो वो उन्हें रसीद नहीं देता और बचे हुए पैसे भी नहीं देता। इससे उन्हें पता नहीं चलता कि सही वजन के लिए सही अनाज मिलता भी है या नहीं और उसके लिए कितने पैसे लगते हैं। ये महिला कहती है कि राशन वाला राशन लेने पर राशन कार्ड पर सही जगह पर मोहर लगाता है या नहीं, शक्कर लेने पर चावल की जगह मोहर लगाता है या और कहीं, ये इस महिला की शंका है। रेशन कार्ड मारायची साखर घेतली तर तांदळाची फुली का करता कशा करता करता, आणि एक तर तुम्ही सांगला की उद्या ये परवा ये तरवा ये आम्ही काम करायचं का दुकानात यायचं, हे याच्याबद्दल कसं तुम्ही असं करत नाही की बाबा आम्ही ज्या वेळेला येतो त्या त्या वेळेला आम्हाला पाहिजे। एकतर आम्ही मजुरी लोक आहेत किंवा शेतकरी आहेत, आमचा कोठा जातो कुठं। आज गाँव वाले अपने अधिकारों के बारे में जान गए हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करना है ये भी वे समझ गए हैं, राशन पर कैसे और कितना अनाज मिलता है ये भी उन्हें पता है। गाँव कचहरी में अनेक विषयों पर जो चर्चा होती है उसकी प्रतिध्वनि यहाँ सुनने को मिलती। यहाँ पर हुई सभा में शामिल ग्राम सभा के सदस्य अधिकारी गांव वालों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अड़चन फक्त टेलीफोन ची आहे, तर टेलीफोन जवळजवळ बहुतेक गावामध्ये सगळीकडे आलेले आहेत, आणि जर टेलीफोन आलं तर आमचे सुद्धा काम सगळे ताबडतोब। अब गांव वालों को टेलीफोन की सुविधा चाहिए, गांव कचहरी की वो मुख्य जरूरत है। अब यहाँ गांव वाले अधिकारियों को कभी भी मिल सकते हैं, नहीं तो पहले उन्हें मिलने के लिए कई किलोमीटर दूर के फासले पर स्थित तालुके की जगह उन्हें पैदल चल के या बस से जाना पड़ता था। इससे उनका काम रुकता था, समय भी बर्बाद होता था और कभी कभी काम न हुआ तो निराश होकर लौटना भी पड़ता था। महाराष्ट्र अब साक्षरता के अंतिम चरण में है, वो शिक्षा व्यवस्था अब भी जारी है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति पर एक नजर डालें तो महसूस होता है कि इससे इस प्रक्रिया में कितनी मदद हुई है, ये देखना बहुत ही शिक्षाप्रद रहेगा। एनएफई कार्यक्रम के तहत 9 से 14 वर्ष तक के काम करने वाले बच्चों को शामिल किया जाता है, खास करके लड़कियों को।
जीवन में आए अनुभवों से छोटी उम्र में प्रगल्भता, जीवन की ओर देखने का वयस्क दृष्टिकोण, अपने आसपास की परिस्थिति की संवेदना और व्यावहारिक ज्ञान उन्हें मिलता है। एनएफई कक्षाओं का माहौल छात्रों का सम्मान करता है। उदाहरण के तौर पर थके मांदे बच्चों को प्रफुल्लित करने के लिए पानी की सुविधा दी जाती है। एनएफई के बच्चों के लिए खास गाने लिखे जाते हैं। विज्ञान, आसपास का माहौल और संस्कृति से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है और उनके व्यवहार में सुधार आता है। क्लासरूम में बच्चियां गोल करके बैठती हैं। उनके बैठने की इस पद्धति से आमने सामने बैठी हुई बच्चियों को आपस में बातचीत के लिए मदद होती है। हर एक छात्र को अपने ब्लाउज पर लगाने के लिए उसके खुद के नाम का बैज दिया जाता है। इससे हर एक छात्र की नाम सहित पहचान होकर उसे गर्व होता है। एक दूसरे का नाम पढ़ने से पढ़ने की आदत भी पड़ती है। नमस्ते, आशा है। एनएफई क्लास के लिए चुनी हुई अध्यापिका उसी गांव से होती है। इस अध्यापिका की शिक्षा आठवीं कक्षा तक होनी अनिवार्य है। पाठ्यक्रम नियुक्त किए गए अध्यापक, स्थानीय शिक्षक और गैर व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा पढ़वाया जाता है। कक्षा के कार्यक्रम बनाते समय छात्र के घर के हालात, उसके निरक्षर माता पिता, बड़ा परिवार और आराम के लिए घर की अपर्याप्त जगह, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। कक्षा में बच्चियां अक्षर शब्दों के विविध खेल खेलती हैं। इससे शब्दों को और शुद्ध लिखने की आदत पड़ती है। ये भी उनके पाठ्यक्रम का एक भाग है। आज इस क्लासरूम में घोंसलों के एक आकार पर चर्चा हो रही है। सामुदायिक सहकार्य से होने वाली मदद का महत्व समझाकर सहशिक्षा पर जोर दिया जाता है। अध्यापिका भी सहशिक्षा के जरिए छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं। ये सुद्धा घरटे, हे घरटे कसे ते माहिती आहे का? कोण सांगाल कुठल्या पक्षाचे आहे? चिमण्यांचं नक्की सगळ्यांनी बघितलं। सभागृह के एक कोने में एनएफई पाठशाला तन्मयता से जारी रहने के बावजूद हॉल के दूसरी तरफ ग्राम शिक्षा समिति की बैठक चल रही है। इसे वीईसी कहा जाता है। ग्राम स्तर पर सूक्ष्म नियोजन के संदर्भ में तथा नियोजन के संपूर्ण कार्य संपादन में वीईसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम स्तर पर शिक्षा के कार्यक्रम का नियोजन, कार्य संपादन, निरीक्षण, मूल्यांकन और आगे की कार्यवाही के लिए ग्राम शिक्षा समिति प्रमुख साधन है। ग्राम शिक्षा की प्रमुख व्यवस्थापक वीईसी पंचायत के माध्यम से संपूर्ण समाज के प्रति जिम्मेदार होती है। वीईसी के प्रतिनिधि सदस्य विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक और क्लासरूम खोलने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
आणि देवळाचं जे काही स्लॅबमध्ये काम धरले त्याच्यानंतर तो पत्रा लाकडं वगैरे राहतील त्याच्यामध्ये शाळेचं काम आपल्याला पूर्ण करायचे दोन खोल्यांचं. आपल्याला वर्गाजवळ घातून करायचं आपल्याला. ये आवश्यक नहीं कि हर प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाए, परंतु हर सदस्य को अपनी बात कहने का हक होता है. जैसे कि यहाँ रात्रिशाला की समस्या और लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा को लेकर जोरदार बहस हो रही है. आपण सगळे पालक आहोत, आपल्या मुलीला आपण पाठवायची का शिक्षण समितीतले. रात्रीच्या शाळेकरता आपल्याला करायला पाहिजे, त्याच्याबद्दल लाईटीची गैरसोय होती, कधी कधी लाईट येते कधी कधी नाही येत, त्याच्याकरता तुम्ही दक्षता घ्यायला पाहिजे. व्यवस्था होती लाईटची, पण या यात्रेच्या ह्याच्यामध्ये काहीतरी ते लाईट आपण वायरती नेलेले तरी दोन दिवसामध्ये आम्ही पूर्तता करू. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य जब जन शिक्षण नीलियम में चर्चा के लिए इकट्ठे होते हैं तब उन्हें वृक्षारोपण और उनकी देखभाल के बारे में जानकारी दी जाती है. वैसे ही इसके पहले देखे गए एनएफई की कक्षा में भी छात्रों को भी इसकी शिक्षा दी जाती है. वृक्षों की देखभाल से बरसात अच्छी होती है इसकी उन्हें जानकारी मिली है. साक्षरता के बहुविध कार्यक्रमों के जरिए प्रेरक और प्रबंधकों के साथ चर्चा करके उन्हें ये बताया जाता है. इस तरह दो पीढ़ियों को पेड़ पौधों की देखभाल, पर्यावरण और उसकी जानकारी दी जाती है. झाडे नसतील तर माणसाचे खूप नुकसान होते. झाडामुळे जमिनीची धूप थांबते, झाडे ढग अडवतात, पाऊस पडतो, झाडे जमिनीच्या पोटात पाणी पकडून ठेवतात. लोककला जत्था अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाने का वातावरण तैयार करता है. प्रबंधक और प्रेरक की तरफ से दिया गया साक्षरता की कला का उपयोग आगे भी जारी रखने के संदेश का प्रचार भी ये जत्था करता है. तुम्हाला माझ्या बायकोला याबद्दल सांगितलं. अहो मंडळी, तुम्ही पण लक्षपूर्वक ऐका. इस गाने में बच्चों को स्कूल भेजने का संदेश दिया गया है. हो गई जो कहानी पुरानी, हो गई जो कहानी पुरानी, अपने हाथी सत्ता हमेशा की ये परेशानी मिटा दो. अपने बच्चों को पाठशाला भेजो. गाँव वालों सुनी, हाँ सुनी, लड़ले को लड़ले को लड़ले को, अपने बच्चों को पाठशाला भेजो.
जाके ऐसा लगता है जाके पढ़ू मैं पाठशाला में। बनेंगे साक्षर सारे अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। हाँ हाँ अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। गाँव वालों गाँव वालों सुनिए हाँ सुनिए। लड़ने को लड़ने को लड़ने को अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। हाँ अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। हाँ अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। हो याच्यासाठी पोराला शाळेत पाठवा। महाराष्ट्र के 38 लाख लोगों ने साक्षरता के लिए नाम दाखिल किए हैं। उसमें से 17 लाख लोग साक्षर हुए हैं। इस संपूर्ण साक्षरता अभियान में 343 जिले शामिल हैं। 100 जिले साक्षरता के अंतिम चरण में हैं। इस अवस्था के लिए जन शिक्षण नीलयम जरूरी था। इससे साक्षरता का ये दीपक निरंतर जलता रहेगा। जन शिक्षण नीलयम वयस्कों के पाठ्यक्रम का दूसरा भाग है। यहाँ वयस्कों को अनौपचारिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है। वजन और नापने तोलने की जानकारी उन्हें दी जाती है जिससे उन्हें कोई भी आसानी से फंसा नहीं सकता। यह है जनाबाई, जन शिक्षण नीलयम की अध्यापिका। ये महिलाओं को धातु के सिक्के वजन और माप की जानकारी देती है। मोज माप लगते कुठला धंदा घालायचा असेल तर मोज माप लगते। दुधाचा धंदा करायचा असेल तर दुधाची माप लागतात। दुकानचा धंदा करायचा असेल तर वजन काटा लागतो। राशन की दुकानों में ये जानकारी बड़े काम आती है। साक्षरता का ये बड़ा फायदा है। अपने अधिकारों की इन महिलाओं को अच्छी जानकारी हुई है। ये है प्रभाव साक्षरता का। साक्षरता की कला का ये अतिरिक्त पहलू, धुएं बिना चलने वाला ये चूल्हा, गोबर गैस पर चलने वाले इस चूल्हे की जानकारी कृष्णाबाई ने दी है। उन्होंने कहा कि कम ईंधन में जल्द रसोई बन सकती है। वैसे ही राख और धुएं का डर नहीं, ईंधन सीधा बर्तनों तक पहुंचता है और बहुत कम ईंधन का अपव्यय होता है। इकड़ून जरा घातला की इकड़े ईंधन होतं, ह्या बाजूने ईंधन होतं, म्हणजे स्वयंपाक दोन्ही बाजूला तयार होतो। पाणी जर इकडे ठेवलं तिकडे, इकडे भात ठेवाय तिकडे पाणी ठेवलं तर दोन्ही तापतं, वरण भात संगत होतो। मग त्यामुळे आम्हाला बरेचसे फायदे झाले। म्हणून अशा 7-8 चुले आम्ही बसवलेत गावात। दरअसल ये चूल्हे सभी महिलाओं को पसंद आए। हालांकि ये हमेशा के पारंपरिक चूल्हों से थोड़े महंगे हैं, लेकिन उसके फायदे देखकर महिलाओं को वे पसंद आए। यहाँ वैज्ञानिक जागरूकता की हवा धीरे धीरे चल रही है। ऐसे चूल्हों का उपयोग इस दिशा में पहला कदम है। अगला कदम मतलब कात्रज। यहाँ के सर्प विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा ग्रामवासियों को सांप के बारे में दी गई अमूल्य जानकारी। सर्पाला जर धक्का लावला तर त्यो सर्प जरी गेला तुम निघून तरी त्यो परत घरात येतो नाही। याला डुक विशेषज्ञ का कहना है कि सांपों के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं वो गलत है। उदाहरण के लिए, बिना छेड़े सांप न तो आपको काटता है और ना ही आपका पीछा करता है। केवळ आपल्याला कोणी सांगितलं की सांप म्हणे यमाचा दूत, प्रत्येक साप विषारी असतो, साप चावल्यावर माणूस मरतोच, म्हणून सापाची हत्या करायची। यापुढे आपल्याला सगळ्यांना आपण साप मारणार नाही आणि कोणालाही साप मारू देणार नाही अशी शपथ घ्यायची इकडे, की मी साप मारणार नाही आणि मी कोणालाही साप मारू देणार नाही। सापाच्या जवळ जर तुम्ही गेला नाहीत तर साप आपणहून तुम्हाला काहीही करत नाही।
असल में सांप किसानों का अच्छा दोस्त है, क्योंकि सांप किसानों के शत्रु चूहों को खाता है। सांप महीने में साधारणतः 250 और पूरी जिंदगी भर में 60 से 70 हजार चूहे खाता है। यदि आप एक धामड़ को मारते हैं तो कितने ही चूहों को जीवन दान देते हैं। एक धामड़ चिरडता तेव्हा तुम्ही अनावधानाने जवळजवळ 7 कोटी उंदरांना जीवदान दिलेले आहे। अतिशय मोठा आकडा आहे, 7 कोटी उंदीर। थोडे सगळे सांप विशेषज्ञ सांप को न मारने की गांव वालों को शपथ दिलाते हैं। ये है पौड़ का प्रगति महिला मंडल। 1994 में पूना जिले में सर्वत्र महिला मंडलों की स्थापना हुई। जिले में चल रहे साक्षरता अभियान को प्रोत्साहन देने के इरादे से इसकी आवश्यकता थी। महिला मंडलों की स्थापनाएं हर गांव में करके तालुके के मुख्य कार्यालय में उसका पंजीकरण किया गया। ये महिला बता रही है कि नव साक्षरों को चौथी कक्षा की परीक्षा के लिए सिखाने की जिम्मेदारी उनके महिला मंडल पर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाना है। शिक्षक तर घेतीलच, पण आपण त्याला तरी एकत्र आणून आपण त्यांना शिकवण्यासाठी मदत केली पाहिजे। नऊ साक्षरांना एकत्रित केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त महिला चौथीच्या परीक्षेला कशा बसतील याचा आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन त्यांना प्रेरणा दिली पाहिजे। काम तर आपण रोजच करतो, पण आपल्या स्वतःसाठी तरी आपण काय केलं पाहिजे ना। ये महिला बताती है कि अपने खुद के फायदे के लिए सीखना जरूरी है, इसके लिए वो चौथी कक्षा की परीक्षा दे रही है। इस महिला का कहना है कि इसका महिला मंडल साक्षरता से ही शुरू हुआ। इसमें सभी प्रकार की महिलाएं हैं, जिनमें कुछ ग्रेजुएट भी हैं। सब मिलजुल कर काम करती हैं। ग्राम पंचायत ने उन्हें इस साल का पहला पुरस्कार दिया है। महिला मंडल के साक्षरता कार्यक्रम में इस महिला ने हिस्सा लिया, इसलिए उसे लगता है कि वो आज बोल सकती है। साक्षरता के कारण ही उसने अपनी बेटी की शादी में दहेज नहीं दिया। ये महिला 18 साल से पंचायत समिति की सदस्य है। इसकी इच्छा है कि वो पंचायत समिति की अध्यक्षा बन जाए तथा गांव की कोई महिला विधायक बने। इसीलिए सरकार ने 33% आरक्षण की जो सहूलत महिलाओं को दी है उसका वे सदुपयोग कर सकें। इन महिला मंडलों के सदस्य होने के नाते महिला पदाधिकारियों को समाज में बड़ा नाम मिलता है। अब उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि उससे उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलेगा ऐसा लगता है। साक्षरता की कक्षा में महिलाओं को एक समान बहुत दिक्कतें आई, वो सारी साक्षरता कक्षाओं में ही स्पष्ट हुई। ये समान दिक्कतें इन महिला मंडलों की सदस्य होने से ही उन्हें मालूम हुई। रही है कि भारतीय शिक्षण संस्था ने अल्पसंख्यक समाज की बच्चियों को सिखाने के लिए एक योजना तैयार की। अल्पसंख्यक समाज में जहां शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है, उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें शिक्षा की धारा में लाने का हमारा उद्देश्य था। इसीलिए इस अल्पसंख्यक समाज को हमने चुनकर उन बच्चियों को शिक्षा देना शुरू किया। 2000 साल तक सभी को साक्षर बनाने के NFE के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये आवश्यक था। अशा कम्युनिटीज निवडण्याचं महत्त्व आहे की ज्यांच्यामध्ये शिक्षण कमी आहे, आणि त्यामुळे ह्या कम्युनिटीला आम्ही निवडलं। मायनॉरिटीजमध्ये आम्हाला अपेक्षित आहे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन।
भारतीय शिक्षण संस्था ने अल्पसंख्यक समाज की नफीसा और शबनम जैसी बच्चियों की बहुत मदद की है। अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें महानगर पालिका की पाठशालाओं में दाखिल किया गया। शिक्षा का महत्व उन्हें ठीक तरह से समझाने के बाद ही ये संभव हुआ। ये है वयस्क महिला वर्ग। शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां महिलाएं बहुत उत्सुक होती हैं। पानीपत की यह सुनीता भोईत, मराठी उसकी मातृभाषा ना होते हुए भी वो मराठी लिखना और पढ़ना सीख गई है। ये मुक्ता कर्नाटक की है। ये वयस्क महिला शिक्षा कक्षा में मराठी सिखाने के इरादे से मराठी सीख गई। पहिल्यापासून आवड आहे की महिलांना, म्हणजे कोण निरक्षर आहे। ये महिला बता रही है कि उसे मराठी सिखाना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से उसकी यही इच्छा थी, अब उसे वही काम मिला है, इसलिए वो खुश है। उसकी क्लास में सभी भाषाएं बोलने वाली महिलाएं हैं। इस क्लास में वो विभिन्न राज्यों की महिलाओं का परस्पर परिचय भी करा रही है। पंजाबी बोलना रही तरी सुद्धा मराठी शिकण्यासाठी माझ्याकडे येते। आता या बाई नागाबाई यांचं नाव आहे, त्या सोलापूरचे आहेत। मूळ त्यांचं भाषा तेलुगू आहे, पण माझ्याकडे मराठी शिकायला येतात। हिंदी मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं मराठी सीखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को पहले पढ़ने लिखने नहीं आता था, अभी मुझे पढ़ना लिखना आता है। अपने गांव को लेटर भेज सकती हूँ, मैं अच्छे से रहती हूँ। मैं अभी सब बस का नंबर सब मेरे को समझता है। मेरा नाम नागाबाई शंकर साकरे। नागाबाई बता रही है कि पुणे में उसका पति फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए वो कोल्हापुर से पुणे आई है। उसे मराठी सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आता मराठी शिकले नव्हते म्हणून मी मराठी शिकायला चांगलं वाटतं म्हणून शिकते। इस कक्षा में मराठी सिखाई जा रही है। ग्रामीण भागात बऱ्याच मुली शाळेपासून वंचित राहतात। ये बता रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने किशोरी बच्चियों को सिखाने की योजना बनाई है, लेकिन गांव में सभी बच्चियां अनेक समस्याएं होने पर भी पाठशालाएं नहीं जा सकती। इसलिए हमने भारतीय शिक्षण संस्था के राज्य शिक्षा केंद्र के जरिए इन दो गाँव की बच्चियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है, जिसका उद्देश्य है ये बच्चियाँ भविष्य में हमारी दी हुई शिक्षा का उपयोग करके स्वतंत्र और स्वयं पूर्ण बनकर अपने पैरों पर खड़ी रह सके। शिक्षण आहे त्या शिक्षणाचा त्यांचा उपयोग व्हावा। वर्षभर तुम्ही शिकल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या भावी आयुष्याबद्दल काहीतरी अपेक्षा असतील। तुम्ही आता सगळ्या लग्नाच्या वयाला आलेले आहात, आज नऊ द्या तुम्ही। अध्यापिका उन्हें उनके भविष्य के बारे में पूछ रही है। ज्ञान तुम्ही हे तुमच्या गावाला घेऊन जावे असं आपण सतत म्हणत आलेलो आहोत। तर तुमच्याशी आज मी अशी चर्चा करणार आहे की तुमच्या भावी आयुष्याबद्दल तुम्हाला तुमची काय मतं आहेत हे तुम्ही स्पष्टपणे आणि मोकळेपणे आम्हाला सांगावं। पतीबद्दल काही विचार असतील तर तुला काय वाटतं की तो कसा असावा? तो शिकलेला असावा। ये बताती है कि उसका पति पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए। ये बता रही है कि ऑफिस में टाइपिस्ट बनना चाहती है। ये कहती है कि इसे डीएड करके अध्यापिका बनना है। इन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की है। ये युवा लड़कियों की महत्वाकांक्षाएं देखकर एक बात ध्यान में आती है कि ये सारा प्रभाव इस साक्षरता अभियान का है। महाराष्ट्र का ग्रामीण जीवन अब पूरा बदल गया है। माता पिता और बच्चे साक्षरता कार्यक्रम के जरिए समान ढंग से अतिरिक्त ज्ञान पा रहे हैं। हर रोज 5 करोड़ या उससे अधिक लोग बुनियादी शिक्षा पा रहे हैं। भारत के 343 जिले पूरी तरह या आंशिक रूप से इस साक्षरता अभियान में शामिल हो गए हैं। 70,50,000 से अधिक स्वयंसेवक पूरी लगन से काम कर रहे हैं और 4,70,00,000 लोगों को साक्षर बनाया गया है 1988 के मई महीने से, जब यह राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू हुआ। सबसे बड़े पैमाने पर सेना और नागरिक मानवीय इतिहास में साक्षरता आंदोलन का यह उत्तम उदाहरण है। इस पीढ़ी का महान कर्तव्य संपूर्ण भारत को साक्षर बनाना। नए विचारों, नए कल्पना।
दे कर बन।